इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। ब्रेकिंग न्यूज, प्रतापगढ़ जनपद के ग्राम सभा विसिहिया के अंतर्गत थाना हाथी गवा तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत ग्राम विसिहिया के द्वारा प्रधानी चुनाव के कारण उसके अंतर्गत पूर्व प्रधान चुने प्रधान प्रत्याशी नसीम के उनके द्वारा कर्मठ प्रत्याशियों द्वारा धांधली बाजी की गई और उनके द्वारा फर्जी वोट करवाया गया। प्रत्याशी के बीच अति विवाद के कारण उन्हें बहुत ही फर्जी करवाया गया, जो कि वहां से जब सूचना दी गई प्रशासन शासन को तो शासन प्रशासन ने एक ना सुनी। वहां पर जिलाधिकारी महोदय एसपी थाने की मौके पर आई 112 नंबर ने पैसे के दम पर कोई और कार्रवाई नहीं की, ना ही फोर्स आदि कोई नहीं पहुंचा। सूचना देने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा और जिसकी जो मर्जी आए वह करता चला गया। जहां एक तरफ सरकार चुनाव को लेकर सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दलाल टाइप के प्रत्याशी अपने गांव के विकास को डुबाने में लगे हुए हैं। गांव का चुनाव एक गांव के विकास के लिए होता है, दूसरी तरफ इस गांव का विकास उल्टा ही हो रहा है। सही आदमी को मत ना दिया जा रहा है, गलत लोगों को खड़ा करके वोट डलवाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है? कहां के किस की कमी मानी जा रही है यह तो पता नहीं चल पा रहा है। अपनी तरफ से पूरी शक्ति बरत रही है गांव के चुनाव को लेकर, इसमें क्या प्रतापगढ़ जिले के प्रशासन की ढिलाई मानी जाए यह सही है? आदमी के साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है। आखिर कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव बना हुआ है जिससे प्रशासन शासन वहां नहीं पहुंचा है?